हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आपका दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन वीड के बारे में। और दोस्तों अगर आप कैप्टन एग्रो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये जो आज जो टॉपिक है अपना वीड है, और वीड के अंदर से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो जेट का हो या एग्रीकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों ये वीड एक 12th का चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों, और ये बहुत एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि वीड क्या होता है और इससे क्या न्याय है और लाभ क्या है, इसका कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन वीड के बारे में, वीड होता क्या है। दोस्तों वीड खरपतवार होते हैं, और दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जाम में कि वीड जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था कौन से वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों जो वीड शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किया था जेन्थ्रो टूल ने। दोस्तों जेन्थ्रो टूल नामक ने जो वीड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, इन्होंने ये शब्द दिया है दोस्तों। और इन्होंने एक बुक लिखी, कभी कभी पूछा जाता है कि जेन्थ्रो टूल नामक ने कौन सी बुक लिखी, या पूछा आपको बुक का नाम दे दिया जाता है और वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक बुक लिखी और सोइंग हस्बेंड्री नामक एक बुक लिखी है। और दोस्तों इसके ऑथर है जेन्थ्रो टूल, और दोस्तों इन्होंने वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और दोस्तों जो जेन्थ्रो टूल है इनको फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है दोस्तों। तो अच्छे से याद रखें कि जेन्थ्रो टूल ने क्या क्या बताया दोस्तों। एक तो उन्होंने वीड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, और इन्होंने एक बुक लिखी है और सोइंग हस्बेंड्री, और थर्ड है कि इनको वीड साइंस का फादर भी कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि वीड होता क्या है। दोस्तों वीड क्या होता है, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो बिना उगाए खेत में उग जाते हैं। दोस्तों एक डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना अपनी बुक में, कि खरपतवार वो पौधे होते हैं जो फसल में उगाए नहीं जाते, ना तो उनका कोई बीज डाला जाता है, फिर भी वो खेत में उग जाते हैं। और दोस्तों ये क्या करते, तथा फसल के मुख्य पौधे के साथ स्थान, नमी, पोषक तत्व, प्रकाश आदि को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों जो खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं, जो अपने जो फसल होती है उसके साथ में उग जाते हैं, और नमी को, जो नमी रहती है मिट्टी की, उसकी नमी को भी ले लेते हैं, और जो पोषक तत्व अपन देते हैं फसल के लिए उन पोषक तत्वों को भी ले लेते हैं। और दोस्तों ये जो प्रकाश और जो भी पौधे को अपन देते हैं उन सबको ले लेते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों ये कहलाते हैं खरपतवार। दोस्तों ये जो उत्पादन में अत्यधिक कमी करते हैं, दोस्तों ये उत्पादन होता है जो फसल का, उसके उत्पादन में बहुत कमी कर देते हैं। और दोस्तों एक गणना के अनुसार माना गया है कि जो खरपतवार है भारत के अंदर जो पौधों में 35% तक जो प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 35% प्रोडक्शन कम कर देते हैं खरपतवार फसल का। तो दोस्तों खरपतवार होते क्या है आपको पता चल गया, कि खरपतवार वो अवांछित पौधे होते हैं जो फसल में उगाए नहीं जाते फिर भी उग जाते हैं, और साथ में ही वो फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं सब चीजों के लिए, जो भी फसल को देते हैं उसको वो भी लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि खरपतवारों के गुण क्या क्या है। दोस्तों खरपतवारों के गुण देखेंगे। दोस्तों जो खरपतवार के जो बीज होते हैं इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों एक पेड़ के अंदर, जो खरपतवार के अंदर जो एक पेड़ होता है उसके अंदर जो बीज बनता है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे चौलाई का जो पौधा होता है दोस्तों, उसके अंदर जो बीज बनते हैं एक पौधे के अंदर, वो बनते हैं 1,96,000 बीज। दोस्तों बहुत ज्यादा बीज बनते हैं, और इससे फिर बहुत ज्यादा पौधे उगते हैं और खरपतवारों की संख्या बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक पौधे के अंदर ही कितने सारे बीज बन रहे हैं। दोस्तों ऐसे जैसे मकोई, मकोई भी एक खरपतवार होता है दोस्तों, और इसके अंदर जो बीज होता है वो होता है 1,75,000। दोस्तों सिर्फ एक पौधे की बात हो रही है, एक पौधे के अंदर इतने बीज होते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इसका पहला गुण। जो दूसरा गुण है वो है जड़ों का अत्यधिक गहराई में जाना। दोस्तों जो इनकी जो जड़ें रहती है जमीन में अच्छे से गहराई में जाती है, और सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उन सबको ले लेती है दोस्तों ये फसल के। दोस्तों जैसे जो हिरणखुरी नाम का जो खरपतवार होता है, या फिर कांस, इसकी जो जड़ की लंबाई जो होती है वो 6 मीटर तक चल जाती है दोस्तों, जमीन के अंदर 6 मीटर तक जो डेप्थ में इसकी लंबाई चली जाती है जड़ों की। दोस्तों ये सेकेंड गुण हो गया इसका मेन। और जो थर्ड है वो है कि बीज 50 वर्षों तक जीविता बनाए रखते हैं। दोस्तों जो खरपतवार के बीज होते हैं ना, इनको कहीं पे भी डाल दो आप, दलदल वगैरह में कहीं पे भी, जो इनके जो बीज की जो कैपेसिटी होगी दोस्तों अंकुरित होने की, वो 50 सालों तक जीवित रहती है। कहने का मतलब आप किसी बीज को रख दो और 50 साल बाद उगाओगे ना, तब भी दोस्तों ये खरपतवार उग जाते हैं,
अगर इनको कहीं से पानी मिल जाए या इनको जो भी चाहिए अंकुरित होने के लिए, अगर उनको ये सब कुछ मिल जाए तो दोस्तों ये उगने लगते हैं। लेकिन फसल में ऐसा नहीं होता दोस्तों, फसल में तो 1-2 साल में अपन जैसे बीज चेंज करते रहते हैं, सर्टिफाइड बीज लाते हैं, तो दोस्तों ऐसा इनके अंदर नहीं होता। ये खरपतवारों के जो बीज होते हैं, ये इनकी जीविता 50 वर्षों तक होती है। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं खरपतवारों से हानि। दोस्तों ये तो खरपतवारों के गुण हो गए, अब खरपतवारों से हानि क्या क्या होती है। दोस्तों जो कांग्रेस घास है आपने देखी होगी अधिकतर उगती है दोस्तों, कांग्रेस घास को गाजर घास भी बोला जाता है। और दोस्तों इसके छूने से मनुष्य में अस्थमा रोग होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अस्थमा रोग किससे होता है। तो दोस्तों जो कांग्रेस घास है, जो गाजर घास होती है, अगर उसको इंसान छू लेता है, जो फार्मर होता है किसान होता है वो इसको छू लेता है, और उसकी वजह से उसको अस्थमा रोग हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सत्यानाशी, दोस्तों एक सत्यानाशी एक ऐसा पादप है, इसको अगर सरसों के साथ मिला दिया जाए, अगर सरसों के तेल में मिल जाए और इसको अगर खा खा लेता है इंसान, तो दोस्तों उससे उसके अंदर अंधापन आ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी चली जाती है। तो दोस्तों ये हानि है इसकी। और दोस्तों थर्ड जो है वो है एलिलोफेथी। दोस्तों एलिलोफेथी क्या होता है, एक कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो रसायन बना लेते हैं अपनी जड़ों के अंदर, और जो मेन पौधे होते हैं अपनी फसल के, उनके पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही जो पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है दोस्तों एलिलोफेथी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एलिलोफेथी किसे कहा जाता है। कुछ खरपतवार की जड़ों से रसायन बन जाते हैं, और उन रसायनों के वो रसायन क्या करते हैं, पौधे की जो जड़ें होती है उन, या फिर पौधे जो अपनी मेन क्रॉप होती है उसकी वृद्धि को रोक देते हैं दोस्तों। जो ये क्रिया होती है इसको कहा जाता है एलिलोपैथी दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तो हो गई खरपतवारों की हानि। अब दोस्तों बात करते हैं कि खरपतवारों का वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर एक पे आता है दोस्तों जीवन चक्र के आधार पे। दोस्तों किसी भी खरपतवार का जीवन चक्र के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, पहला वर्गीकरण। और दोस्तों इसके अंदर इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। दोस्तों जो जीवन चक्र के आधार पे जो वर्गीकरण किया है उसके अंदर पहला आता है एक वर्षीय। दोस्तों एक वर्षीय के अंदर ऐसे पौधे को शामिल किया गया है जो सिर्फ एक वर्ष तक जीवित रहते हैं दोस्तों। ये ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ एक वर्ष तक जीवित रहते हैं, जैसे दोस्तों जंगली चौलाई, सत्यानाशी, बथुआ। दोस्तों इसमें कब पूछा जाता है कि खरीफ में कौन सा आता है, रबी में कौन सा आता है। तो दोस्तों जो जंगली चौलाई है ये एक खरीफ का पौधा है दोस्तों, और ये एक वर्षीय पौधा है। और दोस्तों जो सत्यानाशी है वो रबी का पौधा है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, दोनों को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रबी और खरीफ। तो दोस्तों खरीफ में तो बनता है जंगली चौलाई जो एक वर्ष से पौधा है, और रबी के अंदर सत्यानाशी, दोस्तों बथुआ, ये सब कुछ एक वर्ष से पौधे हैं। नेक्स्ट द्विवर्षीय। दोस्तों जो जीवन चक्र के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वो है द्विवर्षीय। दोस्तों ऐसे पौधे जो 2 साल तक जीवित रहते हैं, 2 साल तक उनका जीवन काल रहता है, जैसे दोस्तों जंगली गोभी और जंगली गाजर। दोस्तों यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से कि कौन से पौधों को तो आपको द्विवर्षीय है और कौन से एक वर्षीय है, आपको पूछा जाता है आपसे कि कौन से पौधे द्विवर्षीय है और कौन से बहुवर्षीय है। दोस्तों जो थर्ड वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पे वो है बहुवर्षीय। दोस्तों ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे खरपतवार होते हैं जो उनका कोई निश्चित काल नहीं है कि वो बहुत सालों तक चलेंगे, जैसे दोस्तों दूब घास। दूब घास को अगर दोस्तों टाइम टू टाइम पानी मिलता रहे, इरीगेशन होती रहे उनकी, तो दोस्तों इनका जीवन काल चलता जाता है दोस्तों। थर्ड सेकेंड इसका दूसरा एग्जाम्पल है कांस। दोस्तों कांस भी एक बहुवर्षीय पौधा है, और आपने देखा होगा दोस्तों जो मुड्डे बनाए जाते हैं ना वो कांस से बनाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुड्डे किससे बनाए जाते हैं, दोस्तों कांस के पौधे से मुड्डे बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये एक बहुवर्षीय पौधा है। ये तो था पहला जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। और दोस्तों सेकेंड जो वर्गीकरण है वो है बीज पत्र के आधार पे। दोस्तों बीज पत्र के आधार पे जो वर्गीकरण किया है वो किया है 2 टाइप से, मोनोकोट, डाइकोट। दोस्तों मोनोकोट मतलब होता है एक बीज पत्री, और डाइकोट मतलब 2 बीज पत्री। दोस्तों जो मोनोकोट है इसके अंदर रखा गया है दूब घास को, और जो द्वि बीज पत्री है इसके अंदर रखा गया है हिरणपुरी, सत्यानाशी, ऐसे। दोस्तों बीज पत्र के आधार पे आप आगे पढ़ोगे कि क्या होता है। तो दोस्तों जो बीज पत्र के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है ये 2 प्रकार से किया गया है, मोनोकोट और डाइकोट। थर्ड जो वर्गीकरण किया है फ्रेंड्स वो किया है फसल संबंध के आधार पे। दोस्तों फसल के संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है, और इसके अंदर 4 वर्गीकरण आते हैं दोस्तों। पहला आता है निरपेक्ष। दोस्तों निरपेक्ष क्या होते हैं, वे सभी खरपतवार जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों, होते जो खरपतवार तो सारे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो रखा गया है वो रखा गया है सत्यानाशी, कर्षण नील, बथुआ आदि। दोस्तों जो कर्षण नील वगैरह जो खरपतवार है उनको निरपेक्ष खरपतवार माना गया है, और दोस्तों ये फसल के साथ उगते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है सापेक्ष। दोस्तों ये फसली पौधे होते हैं जो खरपतवार के साथ उग जाते हैं,
मतलब फसल के साथ उग जाते हैं। और दोस्तों जैसे सरसों का पौधा, गेहूं में सरसों का पौधा जैसे कोई फसल है, एक खरपतवार, ऐसे खरपतवार होते हैं लेकिन होती फसल है, लेकिन ये क्या होता है जो पुराने सीजन में जो फसल बोई थी अपन ने उसके पौधे उग जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों जो ऐसे खरपतवार होते हैं उनको बोला जाता है सापेक्ष खरपतवार। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेना दोस्तों, गेहूं की फसल में सरसों का उगना, सरसों के पौधे का उगना। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अवांछित। अवांछित खरपतवार क्या होते हैं दोस्तों? अवांछित खरपतवार जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे गेहूं की लोक वन जो किस्म है, गेहूं की जो लोक वन जो किस्म है, इसके साथ कभी कभी क्या होता है इनके बीजों के साथ WH-147 नाम का बीज आ जाता है, ये अलग किस्म है गेहूं की। तो दोस्तों इस फसल के अंदर इस पौधे का उगना ये कहलाता है अवांछित खरपतवार। दोस्तों ये भी इसके लिए एक खरपतवार है, तो गेहूं ही लेकिन इनसे वेराइटी अलग हो गई। तो दोस्तों इस फसल के लिए, मेन फसल के लिए क्या हुआ, एक खरपतवार। ऐसे खरपतवार को बोला जाता है अवांछित खरपतवार। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार दोस्तों ये इसमें क्या होता है, जो मेन फसल रहती है जैसे गेहूं ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें किसी भी फसल का उग जाना, किसी भी फसल के किसी एक पौधे का उग जाना या एक से ज्यादा पौधे का उग जाना, ऐसे खरपतवार को कहा जाता है स्वैच्छिक खरपतवार। तो दोस्तों जो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों, और उसमें अपन पढ़ेंगे वीड कंट्रोल। दोस्तों वीड का कंट्रोल कैसे किया जाता है, आज तो सिर्फ वीड के बारे में जाना है कि वीड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कैसे वर्गीकरण किया गया है इसका। दोस्तों आगे पढ़ेंगे इसका कंट्रोल कैसे करते हैं और इसको अपने खेत से कैसे निकाला जा सकता है, जो हानि होती है फसल के अंदर उससे कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेंड करें। दोस्तों ट्वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ें कि वीड होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, गुण क्या है, हानि क्या है, और इसका जो वर्गीकरण किया गया है और इसका कंट्रोल। दोस्तों कंट्रोल अपन आगे पढ़ेंगे, ये वीड का पार्ट फर्स्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए।